मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक गतकाली संध्यारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया बात्या यास्र क्षयक्षति और पुनरुद्धार कार्यक्रम संपर्क में समीक्षा कर बात्या समय सरकार पक्षर निया विभिन्न पदक्षेप संपर्क में तथ्य संग्रह कर उत्तम भाव में डॉक्यूमेंटेशन करने परामर्श देइछन्ती। मुख्यमंत्री कहिथिले जे राज्य सरकार को विभिन्न संपृक्त विभाग और जिला प्रशासन बात्या समय उल्लेखनीय प्रदर्शन कर लोकों जीवन सुरक्षा करिसेंती। बात्या पर पुनरुद्धार कार्यक्रम अति कम समय मध्य करा जाई पारिछि। सेतिपाई मुख्यमंत्री समस्त को अभिनंदन जनाई समस्त कार्यर डॉक्यूमेंटेशन करने आवश्यकता संपर्क में कही बात्यार लैंडफॉल पूर्ववर्ती समय प्रस्तुति स्थानांतर एवं परवर्ती समय विभिन्न पुनरुद्धार कार्यक्रम संपर्क में डॉक्यूमेंटेशन करागले यह आगामी दिन में आमको बात्या परिचालन सहायक होली मुख्यमंत्री कही। बैठक में सूचना दे मुख्य शासन सचिव श्री सुरेश चंद्र महापात्र कही बात्यारे समुदाय 150 गाँव में जलमग्न होता सामुद्रिक लुणी पानी जो फसल क्षति होती से कहते। बात्या परवर्ती समय लोकों को बिजुली और पीवा पानी जोगाइबा 1000 डीजी सेट टैंकर और पीवीसी टैंक आदि नियोजित कराइथिला। स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर श्री पी के जेना बात्यार क्षयक्षति और पुनरुद्धार संपर्क में सूचना दे कहिले जे मुख्यमंत्री का निर्देश अनुसार प्रशासन जीरो कैजुअलिटी लक्ष्य नहीं काम करथिला एवं एथिरे प्रायतः सफल होइछि। से कहिथिले जे एथिरे 11000 ग्रामर 60 लाख लोक प्रभावित होइथिले। बात्यारे 520 कोटी टंकार सरकारी भित्तिभूमि और 90 कोटी टंकार व्यक्तिगत संपत्तिर क्षति होइछि। समुदाय क्षतिर परिमाण 610 कोटी टंका रिलीफ पाई 66 कोटी टंका आवश्यक बोली से कहिथिले। कृषि विभाग क्षयक्षति संपर्क में आलोकपात कर स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर श्री जेना कहिथिले जे समुद्रकूल प्रभावित जिलागुड़िकर लुणी पानी माड़ी जिबारु आगामी खरीफ फसल पर समस्या देखा देछि। तेणु ओडिशा कृषि और वैषयिक विद्यालय और केंद्रीय धान गवेषणा केन्द्र वैज्ञानिक मानू एहार प्रभाव संपर्क अनुध्यान कर परामर्श प्रदान करिबा पई। एही वैज्ञानिक माने वर्तमान प्रभावित स्थान में रही परिस्थितिर अनुध्यान करुछन्ती एवं खूब शीघ्र रिपोर्ट आसिबो बोली से कहिथिले। विभागीय सचिव माने सेमानंक विभागर पदक्षेप संपर्क सूचना देथिले। शक्ति विभाग पक्षर सूचना दि जाइथिला जे एथिरे 30 लाख उपभोक्ता प्रभावित होइथिले एवं एथिरे 19.8% उपभोक्ता को वर्तमान सुधा बिजुली पुनर्संयोग करा जाइछि बोली से कहिथिले। 230 टी ट्रांसफार्मर आज सुधा बदला जाए नुआ ट्रांसफार्मर लगाजिबो बोली सूचना दि जाइथिला। शक्ति विभाग क्षयक्षतिर परिमाण 150 कोटी टंका बोली दर्शा जाइथिला। पंचायतीराज विभाग पक्षर सूचना दि जाइथिला जे बात्या समय और परे पानी जल जोगाण अविरत भाव में जारी रही है। बात्या प्रभावित अंचल में 10 मोबाइल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नूतन करा जाइथिला। यह सारा भारत में एक अनन्य पदक्षेप बोली सूचना दि जाइछि। मे 31 सुधा समस्त ट्यूबवेल और पाइप वाटर प्रकल्पर जल उत्स को विशोधन करा जाइथिला। विभिन्न प्राथमिक विद्यालय और अंगनवाड़ी केन्द्र पंचायत रोड क्षयक्षति परिमाण 277 कोटी टंका। गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग पक्षर सूचना दि जाइथिला जे 8 सहरांचल 58 सड़क सहित रास्तार आलोकीकरण व्यवस्था गोटे सेतु आदि क्षतिर सम्मुखीन होइछि। वासुदेवपुर व्यतीत 24 घंटा मध्य समस्त स्थान में पानी जलर व्यवस्था कराई जाइथिला बोली सूचना दि जाइछि। सेहिपरि जल संपद विभाग पक्षर विभिन्न स्थान में नदीबंध और रास्तार होइथिबा घाई संपर्क सूचना दि जाइथिला। समुदाय क्षतिर परिमाण 108 कोटी टंका। सेहीपरि पूर्त विभाग पक्षर सूचना दि जाइथिला जे सड़क गुड़िक गछ काटी तुरंत अवरोध मुक्त करा जाइछि। 246 टी क्षतिग्रस्त रास्तार मरामती करा जाइछि। क्षतिर परिमाण 75 कोटी टंका। ग्राम्य उन्नयन विभाग क्षतिर परिमाण 60 कोटी टंका बोली दर्शा जाइछि। बैठक करी बालेश्वर भद्रक मयूरभंज और केन्द्रापड़ा जिलार जिलापाल माने सेमानक जिलार आवश्यकता संपर्क में दृष्टि आकर्षण करथिले। मुख्यमंत्री का 5T सचिव वीके पांडियान बैठक परिचालन करथिले। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज अल्फाज।